Hi, this is Ridhun Srivastav, MBBS student from GSVM Medical College Kanpur. So guys, आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरे थर्ड ईयर MBBS में मेरा एक दिन कैसा गुजरता है, कितनी क्लासेस रहती है, कितनी पोस्टिंग, मतलब कितने टाइम के लिए पोस्टिंग अटेंड करनी पड़ती, क्या क्या होता है पोस्टिंग में. आई बी टेलिंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है. और मैं कैसे अपनी पीजी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ये भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है. तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है. मैं कह रहा हूँ अभी से लाइक ठोक दो वीडियो पे, ठीक है, और आखिरी तक देखना, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना. सो इस वीडियो में मैं अभी आपको बताऊँ तो अभी मेरी पोस्टिंग चल रही है रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, ठीक है. तो अभी हम लोग की क्लास है 8 से 9, देन 9 से 12 मेरी पोस्टिंग रहेगी. तो चलो फिर चलते हैं क्लास के लिए. 1 hour later. तो गाइज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को पिक करने, फिर हम लोग साथ में पोस्टिंग पे जाएंगे. तो गाइज अभी हम लोग की पोस्टिंग स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, तो हम लोग ने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और अभी 12 बजे तक पोस्टिंग रहेगी. सो रुको रुको रुको, अभी आगे मत बढ़ो, रुक जाओ. पहले मैं आपके एक इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है. जब बच्चे नीट में सेलेक्ट होते हैं तो उनका अगला सवाल, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल उनका ये रहता है कि भैया आप अपने नीट पीजी की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, या हमें अपने नीट पीजी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए. तो मैं उन सबको बस एक सिंपल वर्ड में जवाब देना चाहता हूँ, दैट इज हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रेपलैडर. प्रेपलैडर इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है ड्रीम पैक 4.0, विच इज हैविंग द बेस्ट नोट्स विथ बेस्ट वीडियोज ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. भाई मतलब आपकी पीजी की प्रिपरेशन इतनी स्मूथ हो जाए कि मैं क्या बताऊं. भाई इन्होंने अपने नोट्स में इतने इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए, जैसे लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक जगह सारे नोट्स में एक साथ, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के बाद उस टॉपिक से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसको एक बॉक्स में दे दिया. यही नहीं, इन्होंने निमोनिक्स अगर कुछ है, हाउ टू रिमेंबर, कैसे आपको याद रखना है, वो भी एक जगह मेंशन कर दिया. यही नहीं, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसा भी फीचर लाया है, जिसमें मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको एक जगह मिल गई. मतलब आपने अगर ड्रीम पैक 4.0 की नोट्स खोली भाई, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाउ टू रिमेंबर, प्रेप नगेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब कुछ एक जगह मिल जा रही है. और साथ ही साथ आप लेक्चर देख रहे हो उसके साथ, अगर आप भाई नोट्स अगर पढ़ोगे तो रियली आपकी प्रिपरेशन इतनी स्मूथ हो जाएगी कि मैं क्या बताऊं. मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है प्रेपलैडर से, आपको भी श्योरली होगा. रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में लोग आ गए हैं, सो हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे एसी है भाई तो अच्छा रहता है. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. तो थोड़ी देर में पेशेंट हम लोग मिल जाएगा, फिर केस हिस्ट्री लेनी रहेगी, फिर सर आएंगे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तो लेट्स सी. अच्छी हवा लग रही है, वाह क्या सीन है. सो गाइज हम लोग को जो केस मिला वो 65 ईयर्स ओल्ड मेल थे. उनकी मेजर चीफ कंप्लेंट थी कफ, उनको 6 महीने से आ रहा था, और उनको ब्रेथलेसनेस सिंस पास्ट 1 ईयर से थी. फिर हम लोगों ने जब उनकी हैबिट्स जानने की कोशिश की, तो हम लोगों को पता चला कि वो स्मोक कर रहे हैं सिंस पास्ट 20 ईयर्स. एंड ऑन फर्दर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस जानने के बाद हम लोग को ये पता चला कि उनका ये जो कफ है और ब्रेथलेसनेस है, ये परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव है. एंड ऑन फर्दर गाइडेंस ऑफ आर कंसल्टेंट, we came to know it is a case of COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. आप देख सकते हो यहाँ पे chronic bronchitis के केस में inflammation होता है,
और काफ़ी ज़्यादा एक्सेस म्यूकस जमा हो जाता है इन द ब्रोंकियल ट्यूब्स। एंड वाइल एम्फाइसीमा के केस में आपको पता है कि एल्वियोलर वॉल्स कैसे डैमेज हो जाती है, आपने इसके रीज़न पढ़ रखा होगा, अल्फ़ा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, या बहुत ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम कर रहा होगा, सिगरेट स्मोक कर रहा होगा बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ लीव स्मोकिंग एज सून, क्योंकि आपकी लाइफ एक दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी जैसे सिगरेट ख़त्म हो रही है। और मैं आपको सेकेंड हैंड स्मोक के बारे में बताना चाहता हूँ। सेकेंड हैंड स्मोक मतलब कोई और आपके आसपास स्मोक कर रहा है और अगर आप वो एयर इनहेल कर रहे हो तो आप विश्वास नहीं करोगे जो सिगरेट पी रहा है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लंग्स को होगा, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली कंज्यूम करोगे, जबकि वो सिगरेट में फिल्टर होता है, इस वजह से वो उतना हार्मफुल पार्टिकल्स इनहेल नहीं करेगा जितना आप करोगे। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास कोई भी सिगरेट स्मोक करे तो प्लीज़ आप उन्हें स्ट्रिक्टली मना करो, यू हैव फुल प्रॉपर राइट्स कि आप उन्हें मना करो और आप उनसे दूर रहो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस आफ्टर एंड ऑफ फुल क्लास, अभी आज कुछ खा नहीं पाया था मैं सोचा चलो जूस पी लेता हूँ और कबाब पराठे खा लेता हूँ। One hour later. Much, much, much later. So guys, रात के 2 बज रहे हैं अभी, नींद भी आ रही है अब काफ़ी, और सुबह 8 बजे से क्लास भी है, सोने जाना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत लगी यार इसको शूट करने में और एडिट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। सो यार प्लीज़ अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे आपके लिए और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। मैं जिस जिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी मेरी, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपको ऐसे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग वीडियोज़ बनाता रहूँ, ठीक है। सो चलो अब नींद आ रही काफ़ी यार, चलो सो जाता हूँ गाइस, चलो बाय बाय, गुड नाइट।